और क्रिकेट वर्ल्ड कप के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर खेले गए वर्ल्ड कप के लो स्कोरिंग रोमांचक सेमीफाइनल में टीम साउथ अफ्रीका जो है वो हार गई है। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है और फाइनल में अपनी जगह बना ली है। हमारे साथ विमल मोहन भी हैं। किस तरह से आप इस साउथ अफ्रीका की हार को देखते हैं? पांचवी बार जो ये टीम है वो सेमीफाइनल में हारी है। देखिए, मैं टीम नेमिंग नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन एक चोकर्स का जो टैग लगा हुआ है, वो विजय भाई हमारे साथ में, ये जो चोकर्स का टैग, उनको हटाना था। और आप जब हारते हैं, हम जब क्रिकेट में भी आपस में जब खेलते हैं या किसी भी गेम में हम स्लेजिंग करते हैं, बेशक हम उसको ऑन एयर ऐसे नहीं बोले, लेकिन विजय भाई एक अच्छा मौका था उनके पास जो उनके हाथ से निकल गया। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा मौका था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप देखें तो ये साउथ अफ्रीकन टीम ऐसी भी थी जिस पिच के ऊपर खेल रही थी, उनके पास वो तीन विकल्प भी थे। मैं माकरम को भी एक बहुत बढ़िया विकल्प मानता हूँ। कहीं ना कहीं जो चांसेस या जो जिस तरीके की कंडीशन थी ना, वो उसकी कंप्लेन नहीं कर सकते। एक अच्छा टॉस आप जीते, आपको पता था आप ऐसे पिच पे खेल रहे हैं जहां पर बाद में बल्लेबाजी करना और ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा। एक तो जो आपकी बैटिंग के समय में अप्रोच थी उसमें आपने कम से कम 30-40 रन कम बनाए, और उसके बाद जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है फील्डिंग, अगर आज देखें तो फील्डिंग ने कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका टीम को बिग टाइम लेट डाउन किया है। और जब तक आप बड़े मैच जीतेंगे नहीं ना, तो वो जो टैग के बारे में आप बात कर रहे हैं वो आपके नाम के साथ जरूर लगा रहेगा, और उसके लिए आपको आईसीसी का ही कोई बड़ा इवेंट जीतना पड़ेगा विमल। उसके अलावा ये नाम जो उनके नाम के साथ चोकर्स का टैग लगाया ना, वो अनफॉर्चुनेटली हटेगा नहीं। देखिए, एक जो मौका था 1992 में, उस समय तो मतलब कंडीशन ही आपकी ऐसी थी कि आप 22 रन एक बॉल में बनाना है, और उस समय बन नहीं सकता था, लेकिन इस बार एक मौका था। और रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ है। रितेंद्र, एक विजय भाई एक बहुत पर्टिनेंट बात कह रहे हैं, बहुत जेन्युइन बात कह रहे हैं कि भाई आप फील्डिंग के लिए जाने जाते हो, मतलब साउथ अफ्रीकन फील्डिंग चाहे 92 हो, 96 हो, जॉन्टी रोड्स हो, मतलब हमेशा एबी डी विलियर्स हो, आप इसके लिए जाने जाते हो और आप कैच छोड़ रहे हो इतने लो स्कोरिंग मैच में, फिर आपका फाइनल में पहुंचने का हक नहीं बनता। जी हाँ, बिल्कुल, विजय भाई ने बिल्कुल सही बात कही है। अगर आप ऐसी फील्डिंग करेंगे, देखिए, तो आप फाइनल नहीं पहुंच सकते हैं। और साउथ अफ्रीका टीम तो ऐसी थी, जब अच्छी फील्डिंग की बात होती थी, इस टीम की तूती बोलती थी, इनका नाम सबसे पहले आता था। अगर हम फील्डिंग में स्लाइडिंग की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका ने सबसे पहले शुरुआत की थी स्लाइडिंग की, लेकिन आज जिस तरह कैच छूटे हैं, इनको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि ऐसा लग रहा था शायद रन ज्यादा नहीं बनाए, लेकिन फिर भी इनके पास बड़ा मौका था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एक दम गोटू जीत यहाँ पे हासिल की है। एक समय ऐसा लग रहा था शायद ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुश्किल में, बहुत गहरे गड्ढे में जा चुकी है, लेकिन जी हाँ, साउथ अफ्रीका ने बड़ा मौका खोया है। खुद को कोस रहे होंगे, अगर कैचेस सही समय पे लपक लेते शायद ऑस्ट्रेलिया आज बाहर हो जाती। तो जी हाँ, लेकिन बड़ी मुबारकबाद ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि 8वीं बार फाइनल पहुंचना वर्ल्ड कप में बड़ी बात है। बिल्कुल, 5 बार की चैंपियन भी है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पे भी जरूर बात करेंगे। विजय भाई, एक और बड़ी बात है, अगर आप चैंपियन बनना है, जैसे इंडियन टीम है, इंडियन टीम तो खैर एक्सेप्शनल फॉर्म में है, लेकिन जब भी आप बड़ी टीम होती है तो एक आध कमजोरी होती है जो कि आपकी छिपती है, क्योंकि बाकी लोग बहुत अच्छा खेलते रहते हैं और वो उसको कवर अप करते हैं। लेकिन इस टीम के साथ एक और बड़ी बात हुई कि आप चेज करने में जब भी आपको मौका मिला, चाहे जिस भी वजह से, मैक्सवेल की पारी हुई या जिस भी वजह से, जब आपको मैक्सवेल में तो खैर मैक्सवेल चेज कर रहे थे, लेकिन कई बार आपने चेज करते वक्त आप ऐसी कमजोरी दिखा रहे, वो मतलब बहुत जस्टिफाई नहीं होता फिर आप चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचो। आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे? नहीं, साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूं कि आप चेज नहीं, आपने रन खड़े कर दिए 400 तो आप, लेकिन आप चेज करने का आपको मौका मिला तो आप चेज नहीं कर पा रहे हो। नहीं, चेज करने का मौका की आप बात करें ना, उसी की वजह से तो आज भी देखिए आपने जो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, अगर आप साउथ अफ्रीका की बैटिंग, नहीं मैं साउथ अफ्रीका की ही बात कर रहा हूं। जी, साउथ अफ्रीका के बारे में बात करें तो एक वो आई थिंक एक ना आपकी मेंटालिटी भी हो जाती है। विमल, अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे ना, एक दशक पीछे जाएंगे, तो जो क्रिकेट जिस तरीके से तब चलती थी, तब ये कहा जाता था बड़े मैचों के अंदर जब ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट किया है, आप स्कोर बोर्ड का जो प्रेशर होता था ना, आप रन लगाते थे बोर्ड के ऊपर और फिर वहां से टर्म्स डिक्टेट करते थे। आज भी अगर आप देखें चाहे रन 213 ही लगे हुए थे, पर ऐसा नहीं था कि आप मैच से बाहर थे, आज भी आप मैच में थे। कुछ ऐसे निर्णय आपके रहे, आप स्पिनर्स को थोड़ा और जल्दी ला सकते थे, आपकी फील्डिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, वो सारी चीजें हैं। लेकिन
जिस तरीके से अब तक वो खेले, मुझे लगता है कि ये वाला तर्क इस समय बनता नहीं है कि आप चीज नहीं करना चाहते थे या आपको जब चीज करने का मौका मिला तो आपने उतना बढ़िया नहीं किया जितना पहले बल्लेबाजी करते हुए आपने किया है। और ये जो सारी चीजें है ना, अनफॉर्चुनेटली क्या है कि गलतियां हर टीम करती है, लेकिन आप इस स्टेज पे पहुंच के अगर करती है ना तो फिर वो एक्सपोज हो जाती है, फिर वो यकीनन बिल्कुल बिल्कुल। नॉकआउट मुकाबले में अगर आप गलती करेंगे एक बार नॉकआउट में पहुंचने के बाद, चाहे आप 10 के 10 मैच जीत के पहुंचे, चाहे आप 10 में से 5 मैच जीत के पहुंचे, नॉकआउट में पहुंचने के बाद, सेमीफाइनल पहुंचने के बाद जो स्टार्टिंग लाइनअप है वो सबके लिए बराबर है, वहां किसी को एडवांटेज गलती की गुंजाइश नहीं। बस बस मेरे पास 40 सेकंड और है, मैं 20-20 सेकंड में ये जानना केवल चाह रहा हूँ रितेंद्र, पहले आपसे पूछते हैं ऑस्ट्रेलिया कितना डिफिकल्ट होगा, ये पहले भी हम बात कर रहे थे, छोटा सा जवाब। देखिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बिल्कुल भी डिफिकल्ट ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में तो पहुंचा है, एक्सपीरियंस इनके पास है, बड़े मैच इनको जीतना आता है, लेकिन फिलहाल जो टेम्पलेट क्रिकेट का ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया है वो भारत से कोसों नीचे है। भारत इफ दे प्ले टू दे पोटेंशियल, मुझे लग रहा है आसान सा फाइनल होगा भारत के हक में। विजय भाई ये दिल से बात कर रहे हैं, क्रिकेटिंग जवाब 20 सेकंड। नहीं, क्रिकेट दिल से ही खेली जाती है और वहीं से जवाब निकलता है। देखिए अगर आप तर्क की बात करेंगे तो आपको सारी चीजें बोलनी पड़ेंगी, लेकिन आप एक लाइन में पूछना चाह रहे हैं तो उसमें यही है कि मैच शुरू होने से पहले फेवरेट को, आज भी हम कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया, आज भी हम ये कह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ऑस्ट्रेलिया एक तरफा मुकाबला जीतने में कामयाब रही। और जो सोडी कह रहे हैं, अगर आप क्रिकेट के हिसाब से देखेंगे और भारतीय खेमे की तरफ भी देखेंगे ना, तो जीत मिले चाहे वो आखिरी ओवर में आके मिले तो वो और ज्यादा रोमांचक, क्योंकि उसका उसका उतना ज्यादा आपको बेहतर देखने को मिलेगा। पिच के ऊपर बहुत डिपेंड करता है मेंबर कि वहां पर किस तरीके की पिच मिलने वाली है, अगर हल्का सा भी स्लो पिच मिलेगा तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम कहीं आगे है इस ऑस्ट्रेलिया टीम। चलिए जो भी हालात हो, भारत को जीत मिले गीता।